हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज मैं आपकी कोर्स बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर लेने वाली हूँ, जो कि एक पोइट्री है। एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ अ फोटोग्राफ। इस पोइट्री में तीन पैराग्राफ्स हैं, जिसके अंदर तीनों पैराग्राफ्स अलग अलग फेजेस को शो कर रहे हैं, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं शर्लिस टॉल्सल। और ये पोइट्री है वो अपनी मदर को याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है, और इसके तीनों पैराग्राफ में वो अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ के तीन अलग अलग फेजेस को याद कर रही हैं। पहले पैराग्राफ में वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती हैं जिसमें उनकी मदर उनको दिखाई दे रही हैं अपनी दो कज़िन्स के साथ में, और ये फ़ोटोग्राफ उनकी मदर की बचपन की फ़ोटोग्राफ है, लगभग जब वो 11-12 साल की थी और उनकी कज़िन्स उनसे भी छोटी थी। ये इस फोटोग्राफ में उनके पीछे समुद्र दिखाई दे रहा है, मीन्स दे आर एन्जॉइंग वेकेशंस ऑन सी शोर। और इसमें दिख रहा है कि वो लड़कियां अपने कैमरा के सामने, जो कि उनके अंकल ने पकड़ा हुआ है, उस कैमरा के सामने पोज देने के लिए तीनों अलग अलग पोज बना के मुस्कुरा रही हैं। इसमें उनकी माँ का चेहरा उन्हें बहुत प्यारा दिखाई देता है, और उनके पैरों को समुद्र की लहरें भिगो रही हैं, जिसको याद करके वो ये सोचती हैं कि इंसान के कदम कितने नश्वर हैं, कितने आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन समुद्र जो हमेशा रहेगा। इसमें एक्चुअली नेचर और ह्यूमन, इन दोनों के बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जैसे समुद्र सालों बाद भी बदलता नहीं है, लेकिन इंसान आज है और कल नहीं। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर वो उस समय को याद करती हैं जब उनकी माँ उसी फ़ोटोग्राफ को देख करके एक बार उनसे कहती हैं कि देखो ये है बैटी और ये है डॉली, यानी उनकी जो कज़िन्स हैं वो उनके नाम बता रही हैं और कहती हैं ये बैटी है ये डॉली है, और देखो इन दोनों ने मिलकर हम तीनों को समुद्र पे वैकेशंस के लिए जाने के लिए कितने अच्छे से तैयार किया था। और वो सोचती हैं कि उस समय मेरी माँ ने, ये सोच करके मेरी माँ हंस रही थी कि ये जो समय है वो बीत चुका है, और उनके लिए वो बीता हुआ समय अपने कज़िन्स के साथ बिताई हुई वो वैकेशंस पास्ट की बात थी, लेकिन आज इस समय में अपनी माँ के साथ बिताया हुआ वो समय जब वो अपनी कज़िन्स के बारे में बता रही थी, आज उनके लिए अपनी माँ के साथ बीता हुआ समय पास्ट की बात हो चुकी है। इस फ़ोटो को देखकर आज उन्हें लगता है कि उनकी माँ इस फ़ोटो में शी इज़ क्वाइट साइलेंट, और उन्हें लगता है कि माँ की ये चुप्पी आज उनको चुप कर देती है, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोइट्री। इसमें जस्ट एक डॉटर और उसकी मदर के रिलेशन को और उनके लव अफेक्शन को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और ह्यूमन और नेचुरल चीज़ों के बारे में कंपैरिजन भी किया गया है कि नेचर से संबंधित चीज़ें दे नेवर चेंज, और ह्यूमन वो मॉर्टल है, आज जो हमारे साथ है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में मे बी ये हमारे साथ ना हो। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपने ये पूरी पोएम समझ ली होगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देने वाली हूँ।